प्रश्न ये है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम वैष्णव सेवा में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते। हम कई तरह हमारे परिवार की परिस्थितियाँ, शरीर के रोग, कई अड़चनें, हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसके कारण हम चाहते हैं हम वैष्णव सेवा करना, लेकिन हम चाह कर भी वैष्णव सेवा कर नहीं पाते। यही प्रश्न है आपका। हाँ, तो क्या आपको पता है कि वैष्णव सेवा है क्या? तो पहले हमें यह पता चलाना चाहिए कि वैष्णव सेवा आखिर में है क्या चीज। अगर हम बात करते हैं सेवा की, तो सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? सबसे बड़ी सेवा है, अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी को सर्व करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी सेवा होती है उसका कहना मानना। आप सहमत हो मेरी बात से? हाँ, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ओ भगवान, या हम अपने पिता से बोलें, या हम भक्तों से बोलें, वरिष्ठ वैष्णव से, कि मैं आपका आदर बहुत करता हूँ लेकिन कहना नहीं मानूंगा आपका। ये किस तरह का आदर है? ये किस तरह की सर्विस है? ये नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि वैष्णव सेवा का मतलब है वैष्णवों का कहना मानना। अगर हम कृष्ण सेवा करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का कहना, उनके निर्देशों का पालन करना, ये सेवा है। तो वैष्णव सेवा का मतलब है निर्देशों का पालन करो। अब सवाल ये है कि वो निर्देश क्या है? निर्देश एक स्टैंडर्ड निर्देश है जो कि हर परिस्थिति में पालन करना ही है हर एक को। वो है कि आपकी साधना भक्ति, कि आप 16 माला का जप करोगे, 4 नियमों का पालन करोगे, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ोगे और वैष्णवों का संग करोगे। ये 4, ये एक पैकेज है। ये आप बोलो इसमें से कोई 2 कर लें, कोई 3 कर लें, नहीं, चारों करनी पड़ेंगी आपको। ये चारों करना अनिवार्य है, अगर आप चारों में से एक भी छोड़ोगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो वैष्णव सेवा की जब हम बात करते हैं तो इन चारों को करना है, और फिर जब हम ये 4 करना शुरू कर दें, जब वैष्णव संघ में हम आ जाएंगे, जो चौथा पॉइंट है, वहाँ से हमें ये प्रेरणा भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी कि हम कैसे अपने जीवन को ढालें, कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करें, कि हम इन 4 सेवाओं के अतिरिक्त और सेवाएं करने के लिए समय निकाल पाएं। समय निकाल सकते हैं हम। समय कैसे निकालेंगे? हमारा समय तो सारा फिक्स्ड है, लेकिन आपको ये बात भी पता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान चाहे तो आपके 24 घंटे को 100 घंटे का बना देंगे भगवान, और भगवान के अगर विमुख चलेंगे तो 24 घंटे भोग के लिए कम पड़ जाएंगे। तो अगर हम ये 4 काम अगर हम अच्छे से करेंगे, अपनी जो साधना भक्ति है, 16 माला का जप हम अच्छे से करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, स्वाध्याय प्रभुपाद की पुस्तकों को हम नियमित रूप से पढ़ेंगे और वैष्णवों का संग करेंगे, ये 4 काम अगर हम नियमित रूप से करते हैं, लगातार करते हैं, बिना किसी अड़चन के करते हैं, तो हमें अगला कदम कहाँ उठाना है, कैसे उठाना है, हमें दिखना शुरू हो जाएगा। जब तक हम इन 4 जो कदम है, ये 4 जो कार्य हैं, जब तक हम इसको पूरी निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर अड़चन आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा इन 4 ये जो काम है, इसमें से कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा इन 4 में से कौन सा काम मैं ठीक से कर नहीं पा रहा। अगर आप उस पर अगर आप ध्यान देंगे और आपको अड़चन आ रही है, वो अड़चन कहाँ आ रही है, अगर आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर वरिष्ठ वैष्णव है, आपके शिक्षा गुरु हैं,
आप उनके साथ जाके हर समस्या का समाधान वरिष्ठ वैष्णव के पास जाके उनसे डिस्कशन करके होगा। आप जैव धर्म पढ़िए, जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखा है लेकिन उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी मिलती हैं। जैव धर्म के अंदर क्वेश्चन आंसर ही चले जा रहे हैं, इतने महान से महान वैष्णव दूसरे महान से महान वैष्णव से क्वेश्चन ही किए जा रहे हैं, ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे हो सकता है, आप मुझे इसके बारे में बताइए, अगर आप मुझे योग्य समझते हैं मुझे इसके बारे में बताइए, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, यही सब कुछ चल रहा है। और जो वरिष्ठ वैष्णव है बहुत ही खुशी से उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे हैं। ये जब तक हम इस प्रोसेस में जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक हम वैष्णव के संग की महानता को जब तक हम रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे तब तक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ने की कुंजी है कि आप गुह्यम आख्याति प्रचिति, आप बार बार जो है अपने गुह्यम का, जो आपकी गुह्य बात है, जो आप किसी को भी बताने से डर रहे हो, अपनी कमजोरियां जो आपकी हैं, जब तक आप अपनी कमजोरियों को सामने उठा के नहीं रखोगे तब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। आपको बताना पड़ेगा जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है भाई, तो डॉक्टर आपको उसके हिसाब से दवाई देगा। अगर आप नहीं बताओगे कैसे दवाई मिलेगी, कैसे दवाई मिलेगी, वैष्णव का संग कैसे करना है, इसके लिए भी पूरा एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। वैष्णव का संग जो है वो वैष्णव की सेवा, उसके पैर दबा के या उसके लिए प्रसाद की प्लेट ला के उसके पीछे भागना नहीं है, वो भी है, लेकिन वैष्णव की सेवा गुह्य माख्याति प्रचिति है, अपनी कमजोरियों को बताना, अपने हृदय की गुह्य बात को बताना और उनसे उसका समाधान के बारे में सुनना, ये वैष्णव सेवा होती है। इसको करेंगे ये वो चाबी है, ये वो कुंजी है जिससे आपके आगे जो दरवाजे बंद पड़े हुए हैं, करोड़ों वर्षों से जंग लगा हुआ है, ऐसे चुटकी बजाते हुए खुल जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मुश्किल होता है किसी वैष्णव को, किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कमजोरियां उनके बारे में बताना, उसके लिए बहुत दम चाहिए, ये बताना कि मेरे में ये कमजोरियां हैं, उसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है, बहुत दीनता की आवश्यकता है, बहुत उत्कंठा की आवश्यकता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब तक आप में साहस नहीं होगा, उत्कंठा नहीं होगी, उस वैष्णव पे आपका विश्वास नहीं होगा, तब तक आप वो कदम नहीं उठा पाओगे, तब तक आप अपने कमजोरियाँ, आपके हृदय के अंदर जो आपको जो लगातार आपको एक शूल की तरह जो चुभ रही है बार बार आपको, तब तक आप उसका उसको शेयर नहीं कर पाओगे किसी के साथ में, वो परेशान करते रहेंगे। तो पूरा दम हमें ऐसे वैष्णव को ढूंढने में और फिर उसके साथ चिपक के, देखो चिपक जाओ उससे लीच की तरह के प्राण चले जाएंगे, छोड़ोगे नहीं, अब छोड़ के नहीं जा सकते भैया, आप लात मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जाऊंगा। तब जाकर वो जो मर्सी है वो फ्लो होना शुरू हो जाती है, तब जाकर भक्ति में आगे बढ़ने के रास्ते, राजमार्ग, हाईवे बन जाएगा। धावन निमिल्य वानेत्रे ना पते इतना स्खलित, अब आंखें बंद करके दौड़ना, फिर आंखें बंद करके ना स्खलित गिरोगे नहीं, ना स्खलित फिसलोगे नहीं, ना पते इतना गिरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा, बस फिर मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये वैष्णव सेवा अगर हम उचित ढंग से करेंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, उससे संभव हो जाएगा। ये आप की जो परिस्थितियां हैं, आपकी परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि विलक्षण है, आपसे मिलती जुलती परिस्थितियां
कम बेश करके हर भक्त के अंदर मौजूद है, लेकिन सारे भक्त संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भक्तों के मार्गदर्शन से संभव हो जाता है। आप ये करोगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा आपको।